दोस्तों, BSNL अपने ऊपर काम करना तो शुरू कर दिया है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। हाँ दोस्तों, BSNL एक टाइम था जबकि पूरा डूब चुके थे, लेकिन पिछले 2 साल से BSNL अपने ऊपर काम कर रहा है। BSNL का बहुत सारे 2G 3G कस्टमर को 4G में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए जगह जगह अपना 4G लॉन्च भी कर रहा है। जहां पर भी BSNL अपना 4G लॉन्च कर रहा है, उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना के आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूँ। वीडियो के थ्रू आप जान भी पा रहे हैं। तो BSNL 2G 3G कस्टमर को 4G में ट्रांसफर तो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ BSNL अपने ब्रॉडबैंड सेक्टर में भी काम कर रहा है। हाँ दोस्तों, आज से 3-4 साल पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो BSNL तब भी ब्रॉडबैंड सेक्टर पे नंबर 1 पोजिशन पे था, लेकिन अभी BSNL ब्रॉडबैंड सेक्टर पे भी 3rd पोजिशन पे आ चुका है, और इसीलिए ही ब्रॉडबैंड सेक्टर पे भी BSNL काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको एक टाइम था, ऐसा पता चल गया होगा कि 3-4 साल पहले ऐसा टाइम था जहां पर ऐसा हमारे साथ हो रहा था। हम जब भी SBI या किसी भी गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट जो बैंक वगैरह है वहां पर जा रहे थे, ज्यादातर SBI में जो लोग जाते थे उसके साथ ही ये होता था कि लिंक फेलियर हो जाता था। 2-3 घंटे 4 घंटे तक लिंक ही नहीं आता था और काम जो है बहुत धीरे धीरे चलता था। लेकिन अभी ये ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है आपको पता है? क्योंकि दोस्तों, BSNL का DSL कनेक्शन को अभी फाइबर मतलब ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसफर किया जा रहा है। दोस्तों, SBI से लेके जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से 95% गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे BSNL का ही ब्रॉडबैंड यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि BSNL एक तरह टेलीकॉम कंपनी है, और टेलीकॉम कंपनी होने के नाते यहाँ पर सिक्योरिटी का एक मामला होता है, मतलब डेटा वगैरह जो है सिक्योर रहता है। इसीलिए जो गवर्नमेंट का आदेश है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर BSNL का ही ब्रॉडबैंड यूज होगा। लेकिन BSNL ब्रॉडबैंड तो यूज होता था, लेकिन तब जो स्पीड था वो बहुत स्लो था और लीकेज वगैरह भी होता था, इसीलिए लिंक फेलियर हो जाता था। लेकिन अभी ये नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि DSL कनेक्शन को फाइबर ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो अभी ये जो न्यूज मैं आपको बताना जा रहा हूँ, ये न्यूज आ रहा है तमिलनाडु से। दोस्तों, तमिलनाडु के टोटल 1,20,000 जो मतलब कॉपर वेयर जो है उसको ऑप्टिकल फाइबर में चेंज किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। कॉपर वेयर जो है DSL कनेक्शन में ही यूज होता था। DSL मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लेन, ठीक है, DSL कनेक्शन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ये जो कनेक्शन है DSL कनेक्शन, इसको अभी भारत फाइबर मतलब ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, DSL कनेक्शन में कॉपर वेयर यूज किया जाता था। कॉपर वेयर जो कि वो लैंडलाइन पे आता था, उस वायर को यूज करके ही ब्रॉडबैंड दिया जाता था। लेकिन अभी ये नहीं हो रहा है, अभी ऑप्टिकल फाइबर में ब्रॉडबैंड चलेगा तो फास्ट चलेगा और लीकेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो लिंक फेलियर नहीं होगा और यहाँ पर डेटा और भी सिक्योर रहेगा। लेकिन इसका जो प्राइस है ये भी बहुत कम है, इसका प्राइस जो है 399 से शुरू हो जाता है। तो ये सब दिख से मतलब सबसे बहुत बढ़िया है, मुझे तो ये लगता है। अभी दोस्तों, 6 महीने का एक टारगेट दिया गया है कि आने वाले 6 महीने के अंदर तमिलनाडु का 1,20,000 जो कॉपर वेयर यूज कर रहा है उस कॉपर वेयर मतलब DSL कनेक्शन को भारत फाइबर यानी कि ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और इसी तरह से पूरे इंडिया पे जितने भी कॉपर वेयर है उसको हटा दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ भारत फाइबर ही यूज होगा, भारत फाइबर। ठीक है, अभी टोटल 4,60,000 से भी ज्यादा कॉपर वेयर को ट्रांसफर कर दिया गया है ऑप्टिकल फाइबर में यानी कि भारत फाइबर में, और आहिस्ता आहिस्ता पूरे इंडिया से कॉपर वेयर हटा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉपर वेयर में बहुत दिक्कत होता था, स्लो चलता था, लीकेज होता था, लिंक फेलियर हो जाता था, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर मस्त है कि जो लोग लैंडलाइन यूज करते थे ना, लैंडलाइन का भी अलग अलग थोड़ा बहुत पैसा लगता था DSL कनेक्शन पे, लेकिन अगर आप भारत फाइबर में ट्रांसफर कर लेते हैं तो लैंडलाइन जो नंबर है वो तो आपका सेम ही रहेगा, लेकिन लैंडलाइन के लिए अलग से पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे मतलब सब दिक से यहाँ पर फायदा ही फायदा है। इसीलिए जो इंडियन गवर्नमेंट है इसका आदेश है कि पूरे ऑप्टिकल फाइबर से इसको पूरे इंडिया को जोड़ दिया जाए। तो ये एक बहुत बढ़िया मतलब सोच है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिए, और इस तरह का BSNL रिलेटेड हर एक अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि देश के किसी भी कोने कोने से मैं BSNL रिलेटेड अपडेट न्यूज लेकर आ जाता हूँ। आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।